हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। किसान भाइयों, देश में बड़ी संख्या में किसान सरसों की खेती से जुड़े हुए हैं। आने वाले सालों में सरसों का रकबा और बढ़ने का अनुमान है। अगर किसान सरसों की सही किस्म का चुनाव करें तो उन्हें अच्छी पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो आइए किसान भाइयों, आज हम जानते हैं सरसों की 5 टॉप वैरायटी, जिसे लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। सबसे पहली किस्म की बात करें, CS54। इस किस्म से कम तापमान में भी अच्छा उत्पादन मिलता है। इस किस्म को तैयार होने में 120 से 130 दिन का वक्त लगता है। 16 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 40% तक होती है। और दूसरी किस्म की बात करें, नरेंद्र राई बन। इस किस्म की फसल 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 11 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 39% तक होती है। और तीसरी किस्म की बात करें, NRCHB 101। इस किस्म को सरसों अनुसंधान निर्देशालय भारतपुर ने विकसित किया है। ये किस्म पछेती बुआई के लिए भी उपयुक्त है। पछेती बुआई यानी कि ऐसी फसलें जिनकी देरी से बुआई करने के बाद भी उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होती। फसल 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 38 से 40% तक होती है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और चौथी किस्म की बात करें, PSC 432। सरसों की यह किस्म मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल 130 से 135 दिन में पककर तैयार होती है। इस किस्म का 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। और पांचवी किस्म की बात करें, DMH 11। ये किस्म रोग और कीटों के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक है। 145 से 150 दिन में तैयार हो जाने वाली किस्म की उत्पादन क्षमता 17 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो किसान भाइयों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।